कि हमारी पर्चियां जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं और जिससे कि हमारा गन्ना शीघ्र चीनी मिल पर चला जाए और अगले वर्ष के लिए अच्छा खासा बेसिक कोटा भी तैयार हो जाए। इसके लिए आपको एक काम करना होता है, ये तो आप जान ही गए होंगे कि गन्ना पेड़ी व गन्ना पौधे में पर्चियां सामान्य तरीके से 60-40 के रेशो में होती हैं, और यदि हमारे कैन एरिया में गन्ना पेड़ी व गन्ना पौधा सही लगा हो तो सातवें पक्ष तक गन्ना पेड़ी की पर्चियां और सातवें पक्ष से 12वें पक्ष तक गन्ना पौधे की पर्चियां आती हैं। लेकिन यदि आप अपनी गन्ना सहकारी समिति के गन्ना सुपरवाइजर से मिलकर अपने कच्चे कैलेंडर में ही पूरे के पूरे कैन एरिया में गन्ना पेड़ी को चढ़वा लेते हैं तो फिर आपके गन्ना कैलेंडर से आखिरी दो पक्षों की यानी 11वें व 12वें पक्ष की पर्चियां आपके कैलेंडर में नहीं लगेंगी और उन आखिरी दो पक्षों की सभी पर्चियां आपके कैलेंडर में 1 से 10 तक सभी पक्षों में एडजस्ट हो जाएंगी। इस प्रकार आपकी पूरी पर्चियां दो पक्ष पहले ही आ जाएंगी। किसान भाइयों, इसका आसान तरीका एक और भी है। जब गन्ना सर्वे करने के लिए जून जुलाई में गन्ना सुपरवाइजर आता है तभी आप ध्यान रखें और पूरे कैन एरिया में गन्ना पेड़ी चढ़वाएं या उसमें शरदकालीन गन्ना पौधा चढ़वाएं। किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पर्चियां 10वें पक्ष तक ही लगें तो गन्ना समिति के गन्ना सुपरवाइजर जो आपके क्षेत्र से संबंधित है यदि वह आपसे सहमत रहता है और यदि वह चाहे तो आपकी पर्चियां 10वें पक्ष तक अब भी लगवा सकता है। इस लाभकारी जानकारी देने में एक अच्छे किसान आदित्य जी का बड़ा हाथ है। कहने का साफ मतलब यह है कि यदि आपके कैन एरिया में गन्ना पेड़ी है या गन्ना सुपरवाइजर आपके पक्ष का है तो गन्ना पर्चियां 10वें पक्ष तक ही पूरी की पूरी आपकी आ जाएंगी। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती